नीचे दिए गए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, क्या आप बोर हो चुके हो अपने ऐसे होम पेज से जिसके बस बैकग्राउंड में वाइट कलर आता है और कुछ भी नहीं, और आप इसे चेंज भी नहीं कर पाते? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये होम पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप व्हाट्सएप का, और लगा सकते हो किसी की भी फ़ोटो और अपनी भी फ़ोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और बीच में वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना आप मिस कर जाओगे कुछ चीज़ें और फिर आप ये कर नहीं पाओगे। और दोस्तों, चैट्स के वॉलपेपर तो सबको लगाने आते हैं, पर होम पेज का वॉलपेपर किसी को लगाना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, और देखते रहिए टैकॉन 24। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना नॉर्मल व्हाट्सएप खोलना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हो। तो यहाँ पे इसको खोलने के बाद आपको इसका बैकअप ले लेना है। तो यहाँ पे चलिए मैं तीन डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे जाता हूँ, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको चैट्स पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे चैट बैकअप पे क्लिक करके यहाँ पे बैकअप पे वापस क्लिक करके अपनी चैट का बैकअप ले लेता हूँ, ताकि ये डिलीट ना हो। तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा, चैट बैकअप ले लीजिएगा अगर आपका इम्पोर्टेंट है तो, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसे अनइंस्टॉल कर देना है अपने व्हाट्सएप को, यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब अनइंस्टॉल करने के बाद हमें एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो उसे जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लीजिए, तभी आपके होम पेज पे इमेज लग पाएगी, पिक लग पाएगी। तो चलिए मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ डायरेक्ट, तो मैं उसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, जब आप ये देखिए दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक रीस्टोर का और एक एग्री एंड कंटिन्यू का। तो अगर आपने बैकअप कर रखा है तो आप रीस्टोर पे क्लिक कर देना, और अगर बैकअप नहीं कर रखा तो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद तो वही सेम प्रोसेस है कि कंटिन्यू करके अलाउ अलाउ, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वो नंबर डाल के अपना यहाँ पे अकाउंट बना ले। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ अपना अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया सेटअप। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम अपना, यहाँ पे टैकॉन 24 डाल देता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो लगानी लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे सीधा नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे इंस्टॉल होने लग गया है व्हाट्सएप। देखिए, काफ़ी सिंपल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो इसे हम कर दें क्लोज़, और यहाँ पे देखिए हमारा आ गया होम पेज। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं ज़रा आपको चेंज करके दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पे जस्ट हम एक बार अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे देखिए हम चेंज कैसे करते हैं इस होम पेज को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए तीन डॉट है, आपको इस पर क्लिक करना है तीन डॉट पे, और उसके बाद फोर्ड मोड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पहला ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे यूनिवर्सल, ये यहाँ पे देखिए एक पे जो है यूनिवर्सल, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे 1.1 कलर्स दिखेगा जो पहला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और कलर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 1.1.2 लिखा हुआ है बैकग्राउंड तीसरे नंबर पे, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस तीसरे नंबर पे भी क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए फिर से आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। अब इन तीन ऑप्शन में से आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो पे, ताकि आप अपने होम पेज पे फ़ोटो लगा सको। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से देखिए हम कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देता हूँ, और हमारा हो गया वॉलपेपर सेट। अब ज़रा हम जाके देखते हैं हमारा होम पेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए आ गया ना, ये हमारा पूरा सेट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे चैट वैट करने लगूँगा तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी से चैट करता हूँ तो यहाँ पे अभी मैंने ये नया नया खोला है, इसलिए यहाँ पे कुछ आपको चैट्स के नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए मैं किसी को मैसेज भेज के देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए आने लग गया ना, यहाँ पे देखिए ये कैसा आ रहा है यहाँ पे। और अभी तक तो आप चैट के वॉलपेपर चेंज करते थे, पर यहाँ पे आप देखिए कैसे
यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपना होम पेज का वॉलपेपर। तो दोस्तों आप ऐसे चेंज कर सकते हो होम पेज का वॉलपेपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को ये सिखाना चाहते हो तो उसको ये मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में आपके लिए।